हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 3 के ABS के चैप्टर 9 को एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर 9 है बादल आए बारिश लाए। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है और रोज़ केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। हाथी के बारे में आप लोग को पता होगा कि हाथी को केला बहुत पसंद होता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं, बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड से पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया, फिर सूर में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब तो रोज़ मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता। पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी जो होती है वो बारिश से मिलती है, और बारिश आते ही इसीलिए पेड़ पौधे खिलखिला उठते हैं। आओ बारिश के बारे में एक कविता पढ़े। बादल आए गोरे गोरे काले काले, बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले। पल में आते पल में जाते, महीनों में कभी नज़र ना आते और कभी जम जाते, ऐसे हफ्तों तक न टलते जाते, कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग पसरते और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। हरीश निगम का चकमक एकलव्य है। आगे है, कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें बादलों में कभी कुछ दिखा है? देखिए, कवि को जब हम लोग कविता पढ़े हैं, इसमें कवि ने बादलों का तुलना बहुत कुछ, बादल जो होता है किस तरह का दिखता है। यहाँ देखिए, कभी भैंस जैसा, कभी घोड़े जैसा, कभी हाथी जैसा, इस तरह से बहुत पशु पक्षी का चित्र जैसा उसमें दिखते रहता है जब बादल लगती है। बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना। कागज़ का नाव बनाओ और पानी में तैराए बच्चों के लिए है, और बच्चों शिक्षा के लिए संकेत है कि बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने से बारिश में होने वाले प्रभावों अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। यहाँ पे चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे के वीडियोज़ में मैं चैप्टर 9 को एक्सप्लेन करूँगी। सॉरी, चैप्टर 9 यही था, बादल आए बारिश लाए। आगे के वीडियोस में मैं चैप्टर 10 को एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर 10 है पकाए खाए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।